देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC जल्द ही हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में उतरने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक PSU इंश्योरेंस कंपनी LIC भारत में तेजी से बढ़ते हुए मार्केट पर अपनी मजबूत पकड़ बढ़ाने के लिए एक स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के एक्विजिशन की योजना पर काम कर रही है। हालांकि LIC के इस बड़े प्लान पर अभी कोई ऑफिशियल प्रस्ताव नहीं है। दरअसल इंश्योरेंस एक्ट 1938 और IRDAI रूल्स के मुताबिक फिलहाल लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जारी करने की अनुमति नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को साधारण इंश्योरेंस कंपनी या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ही बेच सकती है। ऐसे में LIC के एंट्री के लिए इंश्योरेंस एक्ट 1938 में बदलाव करना होंगे। हेल्थ इंश्योरेंस में एंट्री की खबरों के बीच LIC का शेयर शुक्रवार को कारोबारी सत्र में करीब 6% उछल कर 1068 के लेवल पर बंद हुआ है। वहीं फरवरी में एक संसदीय पैनल ने देश में बीमा की पहुंच बढ़ाने के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को एक ही इकाई के तहत लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए एक ही लाइसेंस शुरुआत करने का प्रस्ताव दिया था। ऐसा करने से कस्टमर्स एक ही इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस खरीद पाएंगे, जिससे इंश्योरेंस का रकम कम होगी और क्लेम सेटलमेंट में भी आसानी होगी। वहीं आपको बता दें कि लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में LIC मार्केट लीडर है। वहीं कंपनी के दूसरे फाइनेंशियल आंकड़ों पर नजर डालें तो मार्च क्वार्टर के अंत तक कंपनी के पास एसेट अंडर मैनेजमेंट के रूप में करीब 51.21 लाख करोड़ रुपए थे। LIC के इस मेगा प्लान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए पैसा लाइव को लाइक और सब्सक्राइब करें।